हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि नित्या और पल पल न्यूज के इस शो में आज के वमनिया में मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक सिंपल सा सवाल लेकर। किस तरह की माँ हैं आप अपने बच्चों से किस तरह से डील करते हैं, आप उन्हें कितना जज करते हैं, आपके उनसे कितने एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उन्हें कितनी स्पेस देते हैं और आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सभी सवालों को लेकर मैं हाजिर हो रही हूँ आज के वमनिया के इस एपिसोड में आप सबके सामने। तो आपका सबसे पहला कंसर्न अपने बच्चे के करियर को लेकर होता है, और जब आप अपने बच्चे के करियर के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो आप अनड्यू प्रेशर खुद लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ढेर सारे कंपैरिजन और एग्जांपल्स होते हैं अड़ोस पड़ोस के रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के बच्चों के, और आप वही का पूरा का पूरा वही टेंशन अपने बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं। कैसे? तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम इतना कम क्यों पढ़ते हो, उसे देखो वो कितना पढ़ता है, उसने वो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसका फलाने कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, उसकी फलाने कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया है, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं, उसको प्रेशराइज शुरू कर देते हैं करना। और आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हर बच्चे का एक अलग कैलिबर होता है, एक अलग स्टैंड होता है लाइफ को लेकर, उसकी एक अलग सोच होती है। ये मैं बात करी उन बच्चों के बारे में जो कि अपनी लाइफ के करियर पॉइंट पर है, और जब आप इस तरह का व्यवहार उन बच्चों के साथ कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अभी बड़े समझदार और इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि दे कैन टेक देयर डिसीजन बाय देयर ओन, और आप इस तरह से करके उनका कॉन्फिडेंस भी कम करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो इस बारे में आपसे बात करने से कतराने लगते हैं। थिंक अबाउट इट। आपका दूसरा कंसर्न अपने बच्चे की अर्निंग्स को लेकर शुरू हो जाता है। किस तरह से? फलाने ने कितनी कम उम्र में अर्निंग शुरू कर दी, देखो वो कितना कमा रहा है, उसे इतने का पैकेज मिला है, उसे इतने का पैकेज मिला है, वो मैं जब तुम्हारी उम्र में थी या जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैंने इतने जल्दी कमाना शुरू कर दिया था, तुमने कमाए हुए पैसे को इस्तेमाल किस तरह से किया है। हमारा कंसर्न ये भी रहता है उन बच्चों पर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो वो अकेले रह रहे होते हैं बच्चे, और आप सोचिए कि ये ग्रुप किन बच्चों का है जिनको कि इंडियन गवर्नमेंट वोट करने का अधिकार दे चुकी है। ऐसे बच्चों को हम स्वतंत्रता से जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। हम बहुत नोजी तरह के पेरेंट्स होते हैं जो कि अपनी हर बात में नाक डालना अधिकार समझते हैं कि अगर बच्चे ने अर्निंग शुरू कर दी है तो उसका पैसा किस तरह से कहाँ वो खर्च कर रहा है, और अगर उसने अर्निंग शुरू नहीं की है तो अभी तक क्यों नहीं की है, क्योंकि किसी और ने करना शुरू कर दिया। सोचिए किस तरह की माँ हैं आप। क्या आप अपने बच्चे को इस तरह का मेंटल टेंशन देना शुरू कर चुकी हैं, या आप इस तरह का मेंटल टेंशन अपने बच्चे को देते हैं कि उसने अर्निंग स्टार्ट क्यों नहीं की या उसकी फ्यूचर में अर्निंग क्या होनी चाहिए, सोचिए एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इंडियन पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चे को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल अपने दोस्तों के साथ होते हैं, और दोस्तों के साथ जब वो समय बिताना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स उस वक्त अपने बच्चे पर सबसे ज़्यादा नज़र रखना चाहते हैं। वो कहाँ पर है, क्यों है, कितनी देर के लिए है, किसके साथ है, जिसके साथ है वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के खाना खाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इवन उसके रिलेटिव्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कंपैरिजन, जिसका आपके दिमाग में मैनिपुलेशन चलता रहता है, और आप जज कर रहे होते हैं अपने बच्चे को कि वहाँ उतनी देर वो क्या कर रहा था। नो डाउट आपकी सोच गलत नहीं है, आपका सोचना स्वाभाविक है कि उन सब की आपके बच्चे की दोस्तों की सोच उसकी सोच को प्रभावित करती है, लेकिन जब आप अपने बच्चे की सबसे कम्फर्टेबल स्पेस को भी किल कर रहे होते हैं उस वक्त कभी आपने सोचा है कि आपका बच्चा आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो आपके सवालों से ऑलरेडी परेशान है और वो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्त जो उसने चुने हैं, दोस्त जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, वहां पर भी हम कंट्रोल चाहते हैं अपना, वहां पर भी हम चाहते हैं कि उसके दोस्त क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चे को लेकर इनसिक्योर हैं। तो समस्या यहाँ पर बच्चे की और उसके दोस्तों की नहीं है, समस्या यहाँ पर आपकी सोच की है जो कि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं देता कि आपकी सोच, आपकी सीख और आपके संस्कार आपके बच्चे के साथ हैं, और आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका बच्चा पड़ोस की एक सोसाइटी में या सिटी के किसी हिस्से में अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन कुछ सालों बाद यही बच्चा आपसे बहुत दूर जाकर अपनी जिंदगी जीने वाला है। तो जब आप एक दो घंटे के लिए उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और इतने इनसिक्योर हैं तो बाकी की लाइफ में आप उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देने वाले हैं। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक अलार्म वॉच स्टार्ट हो चुका है,
यही वक्त है अपनी सोच बदलने का कि अपने बच्चों को उनके दोस्तों के साथ बराबर स्पेस दीजिए और अपने बच्चे पर विश्वास करना भी सीखिए। अब अगला सबसे बड़ा टेंशन है हमारे बच्चे का मोबाइल, और वही उसकी सबसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाकी चीज़ें तो हमारे सामने ओपन है, उसकी अलमिरा, उसका रूम और सारी चीज़ें जहाँ पर कि हम ऑलरेडी अपनी इंटरफेयर करते हैं और अपनी तरह से चीज़ों को रखते हैं, लेकिन उसका मोबाइल, उसकी प्रिवेसी, हम उसकी ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इंडियन पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उसका बच्चा कब, किस वक्त, किससे, कहाँ, कितनी बातचीत कर रहा है और मोबाइल पर वो क्या क्या कर रहा है। ये मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो 16 और 18 प्लस हैं, जिनका करियर पॉइंट नज़दीक है, या टीन एज के बच्चे जिनके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया है और आप 24 आवर्स इस चीज़ को लेके टेंशन में है कि वो बच्चा उन मोबाइल के साथ क्या कर रहा है। आपका कंसर्न गलत नहीं है, आपकी सोच गलत नहीं है, आपके अप्रोच भी गलत नहीं है, मगर आपका तरीका गलत हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे की प्राइवेसी को, अगर आप अपने बच्चे की छोटी छोटी सी चीज़ों को भी ताक झांक कर रहे हैं, आप उस पर जासूसी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका बच्चा अपने ही घर में किस कदर इनसिक्योर है। वो आपसे छोटी छोटी सी बातें छुपाना शुरू कर देता है जब आप उसको छोटी छोटी सी चीज़ों में जज करना शुरू करते हैं थ्रू हिज और हर मोबाइल। आप उसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जान लेना चाहते हैं उसके बारे में सब कुछ, और आप उसको जज करना शुरू कर देते हैं। अब आपका बच्चा आपसे भागना शुरू कर देता है, और किसी दिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तब आपको पता लगता है कि आपके बच्चे ने तो इस बारे में आपसे कभी बात की ही नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि आपने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में उसको इतने बार जज किया कि जब उसे वाकई आपकी ज़रूरत थी तो वो आपके पास नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि वो आपके पास जब आएगा तो उसे बजाय समस्या का समाधान मिलके पहले तो बहुत बड़ा लेक्चर मिलेगा, फिर उसकी पास्ट गलतियों की बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी, फिर एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे अच्छे बच्चों वाले, और तब कहीं जाकर कि शायद हम उसकी उस प्रॉब्लम पर फोकस कर पाएंगे जो प्रॉब्लम लेकर वो हमारे पास आया था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन पेरेंट्स के साथ, बेसिकली इंडियन पेरेंट्स की बात मैं बार बार करती हूँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देना या उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना या उनकी सोच को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखते। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं या हमारा तौर तरीका, हमारी सोच और हमारे वे ऑफ थिंकिंग, हमने जिस तरह से ज़िंदगी जी, वही आइडियल है और इसके अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता। और अगर हमारे बच्चे हमारी सोच से बाहर जाते हैं तो हमारी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है और हम वो ग्रिप अपने बच्चे पर से खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उसकी छोटी छोटी सी चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं, नज़र रखते हैं। तो आपका बच्चा अपने ही घर में जासूसों से परेशान है, आपका बच्चा अपने ही घर में सुकून तलाश रहा है, और आपका बच्चा आपसे ही दूर भाग रहा है। याद रखिए, आपका बच्चा अगर आपसे दूर है तो वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी है तो आपको पता नहीं चलेगा। अब हम आते हैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम के साथ, जो हम अपने बच्चों के सामने जिसको हम रख देते हैं, लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग देख रहे हैं, वो चार लोग क्या कहेंगे। चार लोगों को हमें भी तो मुँह दिखाना है, चार लोगों को हमें भी तो फेस करना है। इन चार लोगों का टेरर, इन चार लोगों के दिमाग में कंसेप्ट हम अपने बच्चे के इस बुरी तरह से डाल देते हैं कि हमारा बच्चा ज़िंदगी भर उन चार लोगों से डरता रहता है जिनके नाम भी उसे नहीं पता, जिनकी शक्लें भी उसने नहीं देखी, और उसे कभी नहीं पता कि वो चार लोग उसे ज़िंदगी में कब, कहाँ और कैसे मिलने वाले हैं। मगर वो उन चार लोगों से इस कदर प्रेशराइज रहता है कि वो खुलकर कभी जी नहीं पाता। बच्चियाँ कभी खुलकर कपड़े नहीं पहनती हैं, लड़के कभी खुलकर दोस्त नहीं बनाते हैं, लड़के भी खुलकर ज़िंदगी नहीं जीते हैं, लड़कियां भी खुलकर ज़िंदगी नहीं जीती हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन चार लोगों से डर कर जिए। वो चार लोग जो कि कभी उसके आंसू पोंछने नहीं आने वाले हैं, वो चार लोग जिनको उसके करियर से, उसकी लाइफ के सुख दुख से, उतार चढ़ाव से भी लेना देना नहीं है, मगर उन चार लोगों की संतुष्टि हमको हमारे बच्चों की लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि हम एक कंसेप्ट उनके दिमाग में डाल कर रख देते हैं कि अगर वो चार लोग संतुष्ट नहीं है, अगर वो चार लोग खुश नहीं हैं, तो सोसाइटी में वो बंदा या आपका बच्चा एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो चार लोग दुखी हैं उससे। अगर आपने इस तरह की कोई बहुत ही वाहियात सी कंसेप्ट अपने बच्चे के दिमाग में डाल रखी है कि तुम ये पहनो, तुम वो मत पहनो, तुम ये खाओ, वहाँ मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, तो छोड़ दीजिए, वो उन चार लोगों को पसंद नहीं है। तो ये चार लोगों वाली कंसेप्ट अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग में डाल रखी है, तो फिर से एक बार सोचिए कि किस तरह के पेरेंट्स हैं आप, किस तरह की माँ हैं आप। जैसे कि हमने आपके से बात की इसके पहले आपके बच्चों के दोस्तों के बारे में,
अब हम एक बहुत सेंसिटिव मैटर पर आते हैं कि घर में कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं बॉयज़ के साथ। उनको लड़कियों के तौर तरीके, उनकी सोच या उनके रहन सहन की चीज़ें पसंद नहीं आती और उनको ज़्यादा अच्छा लगता है लड़कों के साथ। अगर उनके लड़के ज़्यादा दोस्त हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आना शुरू हो जाती है कि कहीं हमारी लड़की का चरित्र तो खराब नहीं हो गया, ये किस तरह की लड़की है कि इसकी सिर्फ लड़कों से दोस्ती है, या हमारा बेटा है उसके बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो हम अपने बेटे को जज करना शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारा बेटा बहक तो नहीं रहा, इससे सारी लड़कियाँ ही पसंद क्यों आती हैं। हम ये इस तरह से नहीं सोच पाते कि हो सकता है कि एक मेंटल सपोर्ट हो सकता है कि एक इमोशनल सपोर्ट हमारा बच्चा, हमारा बेटा उन फीमेल फ्रेंड्स के साथ पा रहा हो और वो कंफर्टेबल हो उनके साथ। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है, ऐसे बहुत सारी जगहों पर होता है। हमने अपनी मर्जी से अपने दोस्त चुने मगर हम हमारे बच्चों के दोस्तों पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और हमारे बच्चे फिर क्या करते हैं, हमसे अपने दोस्तों के बारे में और अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप के बारे में बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। और कभी किसी मोड़ पर उनसे कहीं कोई गलती हो जाती है और वास्तव में उनसे किसी कोई उनका दोस्त उनको चीट कर देता है या कोई गलत चीज़ उनके साथ हो जाती है, जैसे हमने हमारे दोस्त चुने, हमसे भी गलतियाँ हुई, मगर जब यही सेम गलती हमारे बच्चे करते हैं तो जब हमारा बच्चा हमारे पास समस्या लेकर आता है तो हम सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है, मुझे तो पता था यही होना है, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, देखो मैंने कहा था ना कि वो लड़की अच्छी नहीं, देखो मैंने कहा था ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है। तो हम अपने सारे जो हमारे प्रेजम्पशंस थे उनका सारा का सारा बोझ अपने आप को सही साबित करने के लिए बच्चे के सामने सबसे पहले फैला कर रख देते कि आई वॉज राइट और यू वर रॉन्ग। अब बच्चा इतनी सारी चीज़ें सोच कर आपके पास आता ही नहीं। कई बार हमारा बच्चा इमोशनली बहुत बुरी तरह से परेशान होता है, बहुत बुरी तरह से इमोशनली बर्स्ट हो चुका रहता है और हमें नहीं पता होता है, क्योंकि वो हमारे पास आने से अपनी प्रॉब्लम लेकर आने से कतराने लगता है। क्योंकि जब वो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो बजाय हम उसकी समस्या का समाधान करने के सबसे पहले उसे ये सुनाने लगते हैं कि ये समस्या आएगी, मैं अंतर्यामी थी, मुझे पहले से पता था और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आप इस तरह का बोझ अपने बच्चे पर डालते हैं या डाल रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद अपने बच्चे को आने वाली एक बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं जिस मुसीबत का पता आपको कभी नहीं चलेगा और आपका बच्चा उस मुसीबत में रह जाएगा या उससे सफर करता रह जाएगा और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका बच्चा किस मेंटल स्टेट में है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर एक बार सोचिए किस तरह के पेरेंट्स हैं आप। तो बस अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को स्पेस देनी होगी, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी होगी, उनकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करनी होगी, उनको उनके दोस्त और उनके मोबाइल के साथ कुछ वक्त के लिए अकेला भी छोड़ना होगा। आपको उन पर इतना यकीन करना होगा कि अब वो कैपेबल है अपनी लाइफ के छोटे छोटे से डिसीजन लेने के लिए और उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट भी करना होगा, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस है जो आगे जा कर के लाइफ में उनको बड़े डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करेगा। अपने बच्चों को जज करना, अंडी उनको प्रेशराइज करना, अपने सपनों का बोझ उन पर डालना और सबसे ख़राब बात उनको कंपेयर करना, प्लीज़ बंद कीजिए। आपका बच्चा इंडिविजुअल है, आपका बच्चा जैसा भी है एज अ ह्यूमन ही इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन और यही कल जाकर के सोसाइटी में एक मकाम बनाने वाला है, उसे उसका रास्ता खुद तलाश करने दीजिए। आप पीछे उसका बैक सपोर्टर बन के रहिए, उसके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहिए और अपने बच्चे को खुलकर सांस लेने दीजिए और आप खुद भी खुलकर सांस लीजिए। आपका बच्चा कतई गलत नहीं हो सकता, आपकी शिक्षाएँ आपके संस्कार कतई गलत नहीं हो सकते यदि आप अपने बच्चे पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके छोटे छोटे फैसलों का सम्मान करते हैं। और याद रखिए, बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हमें उनको वही ट्रीटमेंट देनी चाहिए जो हम बड़ों को देते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को हमेशा बच्चे वाला ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो आपके बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे और आप हमेशा ये जिम्मेदारी फील करते रहेंगे कि आप बच्चों के पेरेंट्स हैं। अगर आप इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी सोच को खोलिए और आप ये सोचिए कि अब आपकी ज़िंदगी में बच्चे नहीं, दोस्त हैं। और जब आप इस तरह का आप अपनी सोच लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर के माहौल में, आपकी सोच में और आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, करके देखेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं निधि नित्या विदा लेती हूँ आपसे आज की विमनिया के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे मिलकर आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।